हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल की शीट में अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद अ न्यू पासवर्ड। तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में दोस्तों, आपको यहाँ पर एक टैब दिखता होगा चेंजेस का। चेंजेस में आप देख सकते हो, एक है आपका प्रोटेक्ट शीट, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों एक और विंडो इसमें ओपन हो जाती है, जिसमें आप डालते हो आपका प्रोटेक्ट पासवर्ड। फॉर एग्जांपल, हम एक पासवर्ड डाल लेते हैं और अब हम इसको ओके कर लेते हैं। नाउ ये सेकंड पूछ रहा है कन्फर्म पासवर्ड, आप सेम पासवर्ड वापस से डाल दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। नाउ आप देखोगे कि आप इसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके किए हुए वर्क पर कोई भी अल्टरेशन ना कर सके, तो ये आपके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन अगर इन केस हमारे को ही इसको अल्टरेशन करना हुआ और अगर हमारे को इसमें कोई भी चेंजेस करनी हुई, तो दोस्तों वो हम कैसे करेंगे। हमको या तो हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या तो विदाउट सेलेक्ट पर भी आपको सिर्फ अनप्रोटेक्ट शीट पर सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जाती है अनप्रोटेक्ट शीट का। दोस्तों, नाउ हम सेम पासवर्ड इसमें डाल देते हैं और अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें आप कोई भी अल्टरेशन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने शीट को अब आराम इजीली आराम से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आपका एक्सेल शीट प्रोटेक्ट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड्स।